हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज मैं आपके लिए एक कोडिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको रिकर्सन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि इसमें आपको बेसिकली करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पढ़ के बताता हूँ कि क्या है। यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर केस, इट टेक्स एन स्टेप्स टू रीच द टॉप। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब वन और टू स्टेप्स। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप? दैट मीन्स कि आपको एक स्टेयर केस के ऊपर चढ़ना है। आप हर बारी में या तो एक स्टेप ले सकते हो या तो दो स्टेप का जंप ले सकते हो। तो आपको बताना है कि लेट से मान लीजिए 10 स्टेयर्स वाली एक स्टेयर केस है, तो आपको कितने यूनिक तरीकों से आप उस पर चढ़ सकते हो, टॉप तक जा सकते हो। इसमें एग्जांपल लेके बता रखा है, लेट से एन इज इक्वल टू टू। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ही स्टेयर्स की एक वो है और हम उसके ऊपर कितने तरीके से चढ़ सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। सो देर आर टू वेज टू क्लाइंब टू द टॉप। कौन कौन से? एक तो ये कि हम एक एक स्टेप करके जाएं टॉप पे। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट सीधा एक जंप लें टू स्टेप्स का, क्योंकि टू स्टेप्स का एक जंप अलाउड है, मैक्सिमम टू स्टेप्स का। तो दो तरीके हो गए। ऐसे ही एन इज इक्वल टू थ्री के लिए है, एक एक स्टेप्स का एक एक तरीका हो गया, एक स्टेप प्लस दो स्टेप का एक तरीका हो गया, और दो स्टेप प्लस एक स्टेप का एक और तरीका हो गया। तो टोटल हो गया तीन तरीके। तो इसका आंसर हो गया थ्री। और एन इज इक्वल टू एन या तो एक होगा या तो 45 होगा, ये हमारा कॉन्स्टेंट है। दैट मैक्सिमम 45 से लेस होगा, लेस देन इक्वल टू। दैट मीन्स कि मैक्सिमम हमारी स्टेयर केस जो है वो 45 की लेंथ की हो सकती है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सोल्व करना है। लेट से शुरू में हमें दे रखा है, लेट से एन इज इक्वल टू टू। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एन इज इक्वल टू टू। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक स्टेयर केस है दो स्टेयर्स की। यहाँ पे एक लेट से कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, इसको यहाँ पे टॉप पे जाना है। तो वो कितने तरीके से जा सकता है? एक तरीका तो ये है कि ये हर बार एक एक का स्टेप ले, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये डायरेक्ट सीधा दो का जंप ले, तो दूसरा तरीका ये हो गया। दैट मीन्स कि 1+1 का वन वे ये हो गया, वन वे, एंड दूसरा हो गया सीधा दो का सेकेंड वे। सो टोटल इसका टोटल कितने तरीके हो गए? टू। सो आंसर इज टू। ऐसे ही थ्री के लिए है। लेट से हम एक थ्री की स्टेयर केस पे हैं और इसको जाना है। या तो एक तरीका तो ये है कि ये हर बार एक एक स्टेप लेके जाए, वन वे हो गया। सेकंड हो गया कि 1+1 वे। सेकंड इज कि ये पहले एक का स्टेप ले ले, फिर यहाँ से दो का ले ले। दैट मीन्स कि 1+2, दिस इज सेकंड वे। थर्ड वे इज यहाँ से सीधा ये दो का ले फिर एक का ले। दैट मीन्स कि 2+1। तो यहाँ पे टोटल थ्री वेज हो गए, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। कैसे? लेट से हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एन इज इक्वल टू, लेट से हमारे पास एन इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है। तो हमने बोला कि हमारे पास कोई स्टेयर है ही नहीं, तो टॉप पे जाने के कितने तरीके हो गए? तो देर इज नो वे। ये थोड़ा सा एक वो है, कंफ्यूजिंग सा स्टेप है, बट वहां जाने का कोई तरीका ही नहीं है, ये ही एक तरीका है। तो दैट मीन्स कि देर इज वन वे। एंड मान लीजिए बिकॉज आप ऑलरेडी उसके टॉप पे खड़े हो, वहां पे वहां से आप ऊपर नहीं जा सकते। और लेट से आपके पास एन इज इक्वल टू वन है, दैट मीन्स कि आपके पास एक ही स्टेयर केस है चढ़ने के लिए, एक ही स्टेयर है चढ़ने के लिए, तो आप एक का ही एक स्टेप ले सकते हो। तो उसके लिए भी आपके पास एक तरीका है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए दो बेस केस बन गए। तो अगर हमारा एन इज इक्वल टू 0 है तो भी हम 1 रिटर्न करेंगे, और एन इज इक्वल टू 1 है तो भी हम जो है 1 रिटर्न करेंगे। और उसके अलावा अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे फंक्शन, जो लेट से जो भी हमारा फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन इंटू n-1 + फंक्शन इंटू n-2 की कॉल लगा देंगे, विच इज वेरी सिमिलर टू आपका फिबोनाची, ठीक है। ये तो रिकर्सन से सॉल्व करने का हो गया, बट हम रिकर्सन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन।
अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का थोड़ा आइडिया नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्टली ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं और उस छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो फिर जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम हम जो है बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे फिर छोटी सब प्रॉब्लम्स में, और फिर कोई अगर ऐसी सब प्रॉब्लम जो कि हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखी है हम उसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका सोल्यूशन उठाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। सो लेट्स से इसमें इस केस में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लेट्स से जैसे हमारा एन इज इक्वल टू थ्री, तो एन इज इक्वल टू थ्री होगा तो वो कैसे सोल्व होगा, एन माइनस वन और एन माइनस टू का सम कर देंगे हम। दैट मीन्स कि मैं कोड लिख के दिखाता हूँ आपको तो आपको आइडिया आएगा कि लेट्स से ये हमारे बेस केस हैं। इफ इफ एन इज इक्वल टू जीरो तो रिटर्न वन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई स्टेयर है ही नहीं तो आपको वन रिटर्न करना है, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि और वो तरीका है कि कोई तरीका नहीं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई थिंक आप समझ जाएंगे। रिटर्न अगर वन है तो भी आपके पास एक ही तरीका है रिटर्न वन। अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरे पास एक तरीका तो ये है कि जैसे मैं जो रिकर्सन वाला बोल रहा था कि मैं ये बोल रहा था कि सेल्फ मैं डायरेक्ट इसको जो है यहाँ से कॉल कर देता हूँ, क्लाइम स्टेयर्स एंड लेट्स से एन माइनस वन प्लस सेल्फ डॉट क्लाइम स्टेयर्स एन माइनस टू। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं आपको जैसे अगर मैं रन करके दिखाता हूँ तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। बट जब आप इसमें एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये एन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए, मतलब जब जो सॉल्यूशन ट्री बनेगा जिसको सॉल्व करें करते टाइम बहुत सारी रिकर्सन कॉल लग जाएंगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मेमोराइजेशन का यूज करेंगे। मेमोराइजेशन मीन्स कि छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कहीं पे स्टोर कर लो और फिर उन छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज कर लो। तो छोटी प्रॉब्लम इसमें हमारी क्या है, जब हमारे पास कोई भी स्टेयर केस नहीं है और दूसरी छोटी प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमारे पास एक ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक वो बना लेता हूँ कि लेट्स से डीपी नम वेज, मैंने एक एरे ले लिया या आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं कि लिस्ट बोल सकते हो। तो मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ और कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसमें, एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद अब इस एरे के अंदर या लिस्ट एरे बोल लीजिए या लिस्ट बोल लीजिए क्योंकि मैं पाइथन में लिख रहा हूँ कोड तो दोनों सेम ही है। तो जीरो पे नंबर ऑफ वेज ये क्या स्टोर करेगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये लिस्ट जो है ये स्टोर करेगी कि लेट्स से जीरोथ इंडेक्स पे ये स्टोर करेगी कि जीरो अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीरो है, मतलब सॉरी अगर आपकी प्रॉब्लम का साइज एन इज इक्वल टू जीरो है तो कितने तरीकों से आप जो है उसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर मान लीजिए इंडेक्स आई इज इक्वल टू लेट्स से टू है तो इसके डीपी ऑफ टू पे यानी कि इसके डीप इस एरे के सेकेंड इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे कि अगर नंबर ऑफ स्टेयर्स टू हैं तो उनको सोल्व करने के कितने तरीके हैं। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि डीपी नम वे जीरो पे सोल्व करने के कितने तरीके हैं, एक। ऐसे ही डीपी नम वेज जगह आपका एक नंबर ऑफ स्टेयर केस है तो उसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, उसका भी एक ही तरीका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे एक काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि छोटी प्रॉब्लम्स के हमने सॉल्यूशन निकाले और उनको स्टोर कर लिया। ठीक है, ऐसे जैसे फिर जब ये हम इसको ऐसे ही स्टोर करते जाएंगे और एन तक स्टोर करेंगे, लेट्स से हमारा एन इज इक्वल टू 15 है तो हम 15th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेंगे। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ये एरे सिर्फ ये स्टोर कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं या
आप बेसिकली समझ जाइए कि वो आंसर है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरे को फिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आई इज इक्वल टू टू, क्योंकि हम आई 0 और 1 पे हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो वाइल मैं क्या करूंगा, जब तक कि मेरा आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ, और यू कैन से आई माई आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डीपी ऑफ नम वेज ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ नम वेज आई माइनस वन प्लस, ये हमारी वही वाली कॉल है जो रिकर्सन वाली थी। दैट मीन्स कि डीपी इस आईएथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, जो आई माइनस वन पे सॉल्यूशन पड़ा है और जो आई माइनस टू पे सॉल्यूशन पड़ा है, उन दोनों को अगर मैं सम अप कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे फॉर आई आईएथ इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही हम मैं आई तक जाता जाऊंगा, आई की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, हर बार एक से बढ़ रही है, और फिर लास्ट में जो है मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ नम वेज के उसके nth इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो बताएगी कि हमें उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम साइज के लिए कितने तरीके हैं। ये आप देख लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया, और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।